हेलो एवरीवन, सिद्धांत ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। तो लीनियर इनइक्वालिटी का आज सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं और इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग देखे होंगे, नहीं तो एक बार देख लीजिए ताकि ये अच्छे से समझ में आए आप लोगों को। तो आज करते हैं, आज का क्लास होगा कंडीशन फॉर ओपन और क्लोज इंटरवल। तो देखते हैं इसका चार कंडीशन होगा ओपन और क्लोज इंटरवल के लिए। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, अगर x greater than equal to a, अगर x जो है ये वेरिएबल है और ये a जो है कांस्टेंट है, ये जो बोल रहा है कि x greater than a होगा, तब आपको ये नंबर लाइन पे दिखाना है कि ये कहां से कहां तक जाएगा। इसका एग्जांपल हम कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर इसको, इसका कंडीशन क्या होता है एक बार आप देख लो अच्छे से। जैसे देखो इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे दिखाएंगे क्या होगा, इधर माइनस इनफिनिटी और इधर क्या होगा प्लस इनफिनिटी। ठीक है, ये ए जो कोई संख्या है, ए कहीं बीच में होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो देखो आप क्या बोल रहा है, एक्स जो है ए से क्या है बड़ा है, एक्स ग्रेटर देन ए, तो क्या बोला है ए से बड़ा। इधर अगर जाते हैं तो इसे छोटा संख्या आता है और इधर जाने तो बड़ा आएगा। और देखो अगर इक्वल टू का बताए थे, अगर इक्वल टू का साइन रहे यहाँ पे, अगर इक्वल टू का साइन रहे तो इस संख्या को लेना है, और इक्वल टू का साइन नहीं रहे तो इस संख्या को नहीं लेना है। नहीं लेना है मतलब क्या, ओपन ब्रैकेट नहीं लेना है मतलब ओपन सर्कल, नहीं लेना है मतलब क्या ओपन सर्कल लेना है। और यहाँ से क्या बोलना है, एक्स ग्रेटर देन ग्रेटर देन ए, ए से बड़ा, ए से बड़ा कहाँ तक जाए इनफिनिटी तक, ए से बड़ा ले लेंगे क्या करेंगे इनफिनिटी तक इसको ले लेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू क्या सब, सबसे पहले छोटा वैल्यू, छोटा वैल्यू क्या है ए, तो बड़ा वैल्यू क्या है इंफिनिटी, ए पे क्या होगा ओपन ब्रैकेट क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ए पे क्या होगा ओपन ब्रैकेट, देखो आप लोग ए पे ओपन ब्रैकेट कॉमा ए से कहा था इंफिनिटी का इंफिनिटी। और बताए थे कल कि इक्वल टू रहे या ना रहे ओपन, ये इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट, इंफिनिटी क्या करना है हमेशा ओपन ब्रैकेट देना है। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। इसका दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, x greater than equal to a रहेगा, x क्या रहेगा इसी में, अगर x जो है a के या तो बराबर है या फिर क्या है उससे बराबर, तो देखो उसमें क्या होगा। इसी तरीके से एक नंबर लाइन लो, यहाँ पर कहीं क्या होगा माइनस इनफिनिटी और यहाँ पर होगा प्लस इनफिनिटी। ठीक है, ये कहीं बीच में यहाँ पे, और देखो इसमें क्या है इक्वल टू का साइन है, इसमें क्या है इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है तो इसमें क्लोज ब्रैकेट करो, इसमें क्या होगा क्लोज ब्रैकेट। और क्या बोल रहा है कि x greater than equal to a, तो x क्या है a के या तो बराबर है या फिर इससे बड़ा है, तो ये बराबर है आप उस पॉइंट को भी लेना है, क्योंकि बोल रहा है कि x या तो उसके बराबर है तो उस पॉइंट को भी लेना है या उससे क्या है बड़ा है। देखो ए पे क्लोज ब्रैकेट किए और ए से बड़ा है कहां तक जाएगा इनफिनिटी तक जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए से इनफिनिटी, लेकिन ये चीज यहां पे देखो ओपन ब्रैकेट नहीं देना है, यहां पे क्लोज ब्रैकेट देना है, यहां क्या करना है क्लोज ब्रैकेट देना है, क्योंकि देखो इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, इस वैल्यू को भी लेना है, इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है क्या होगा x बिलोंग्स टू ए से इनफिनिटी। तो देखो इस पे क्या किया, इस पे ओपन है दिया, क्योंकि हमको बताया है आप लोग को कि जो इंफिनिटी पे हमेशा क्या है कि आपको हमेशा ओपन ब्रैकेट रखना है, इंफिनिटी पे हमेशा इक्वल टू रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, इंफिनिटी पे आपको हमेशा ओपन ब्रैकेट रखना है। तो ये दूसरा कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे, देखो आप लोग एक बार समझ लो, फिर एक बार अच्छे से लिख लेना। देखो इसका एक तीसरा कंडीशन क्या होगा, अब ग्रेटर देन वाला लीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू ले लिए, अब एक लेस देन वाला लीजिए, एक्स लेस देन ए रहता है तो उसमें क्या होगा, देखो उसमें क्या होगा आपको क्या बोल रहा है, एक्स ए से छोटा है, उसी तरीके से आप दिखाओ इधर क्या होगा माइनस इनफिनिटी, इधर क्या होगा प्लस इनफिनिटी, और ए कहीं है बीच में एक नंबर होगा ये। ठीक है, इसमें देखो इक्वल टू का साइन दे है मतलब ये संख्या आपको नहीं लेना है, नहीं लेना है मतलब क्या ओपन सर्कल, जिस संख्या को नहीं लेते हैं उसमें क्या करते हैं ओपन सर्कल मारो, ओपन सर्कल देखो, लेकिन इसमें क्या होता है x less than a मतलब a से छोटा, a से छोटा देखो, a से छोटा इधर होगा, इधर जाएंगे तो a से बड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा इधर वाला रीजन में a से छोटा होगा तो कहां तक जाएगा माइनस इनफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा,
माइनस इंफिनिटी और सबसे बड़ा क्या होगा एक। यदि क्वेश्चन लिखने का क्या तरीका होगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से ए के ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। चलो इसका चौथा पार्ट देखते हैं, इसमें लेस देन किया और एक क्या कर रखे हैं, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ए। देखो इसका क्या कंडीशन होगा, देखो क्या होगा, इधर क्या होगा माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे होगा प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे देखो कहीं बीच में ए होगा। लेकिन इस बार देखो क्या करना है, इसमें इक्वल टू भी दिया है, मतलब इस पॉइंट को भी लेना है, इस पॉइंट को लेना है मतलब क्या क्लोज सर्किट, इस पॉइंट को भी लेना है मतलब क्या क्लोज सर्किट। और देखो क्या बोल रहा है, एक्स जो है ए से या तो छोटा है या फिर क्या उसके बराबर, क्या बोल रहा है, या तो ये कोई संख्या है एक्स वेरिएबल है, वो ये क्या बोल रहा है या तो ए के बराबर है या फिर क्या ए से छोटा है। तो देखो ए से छोटा कौन सा रीजन होगा, बराबर तो पॉइंट ले लिए, छोटा रीजन नहीं होगा। तो देखो क्या होगा इसमें, तो x बिलोंग्स टू इंफिनिटी पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट, तो माइनस इंफिनिटी से a तक, a पे क्या होगा क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इस पॉइंट को लेना है। इस चीज को आप लिखो, पर हम लोग इसके बहुत सारा क्वेश्चन किए थे, जैसे x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 3, वो सब निकाल लेते ना। तो ये चीज अगर आपको ये चार को कंडीशन याद रहेगा तो आप इजीली तरीके से कर सकते हो, तो इस चार पॉइंट को आप लोग एक बार अच्छे से ध्यान रखो ताकि आप लोगों को कभी दिक्कत ना आए, इसको आप लोग लिखो मिटा दो। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आप लोग पॉज करके लिख लो। तो आप लोगों को ये नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा था, इसलिए आप लोग को एक बार फिर से इसको रिवीजन करवा लेते हैं एक मिनट में। ये देखो अगर x ग्रेटर देन a है तो उसमें क्या होगा कि देखो a पॉइंट को क्योंकि इक्वल टू नहीं है, इस पॉइंट को नहीं लेना है, और इससे क्या होगा x जो है a से बड़ा है, x a से बड़ा, तो देखो सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा a और बड़ा वैल्यू इंफिनिटी, a से इंफिनिटी। इसमें क्या है भाई, इसमें क्या कर दिए इक्वल टू कर दिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें क्या होगा आपको इस पॉइंट को भी लेना है। तो देखो भाई क्या ए पे क्या किए हैं, क्लोज ब्रैकेट किए हैं, देखो क्लोज सर्किट किए यहाँ पे, क्लोज सर्किट कर दिए क्योंकि इस पॉइंट को भी आपको लेना है, यहाँ पे ए है ये, इस पॉइंट को लेना है और इस पॉइंट से क्या इन्फिनिटी कर लेना है। तो देखो ए को लेना है मतलब क्या क्लोज ब्रैकेट और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे आप जानते हो कि हमेशा ओपन ब्रैकेट रखा है, यहाँ पे क्या होगा एक्स बिलोंग्स टू ए से इन्फिनिटी। फिर उसी तरीके से ये देखो एक्स लेस देन ए है मतलब क्या बोल रहा है, एक्स जो है वो ए से छोटा है, तो ए से छोटा ए पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा ए से छोटा, लेकिन इसमें इक्वल टू नहीं है, इस पॉइंट को नहीं लेना है, इसलिए क्या किए ओपन सर्कल, ओपन सर्कल किए और ए से छोटा इधर जाएंगे तो ए से बड़ा होगा, तो इसलिए इधर जाएंगे ए से छोटा कहाँ तक माइनस इन्फिनिटी। इसमें देखो सबसे छोटा वैल्यू क्या है माइनस इन्फिनिटी, तो पहले सबसे छोटा वैल्यू लिखते हैं उससे कुछ के बाद बड़ा वैल्यू, तो माइनस इन्फिनिटी से ए। देखो ए पे क्या कर दिए ओपन ब्रैकेट, इस पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है, लेकिन इस पे अगर इक्वल टू रहे तो लेना है, इक्वल टू नहीं रहे तो नहीं लेना है। देखो तो यहाँ पे क्या होगा एक्स लेस देन इक्वल टू, इसमें देखो इक्वल टू का साइन है, तो इसमें क्या ये यहाँ पे किए देखो इस वैल्यू को लेना है, इसमें क्या क्लोज सर्कल की और इससे क्या बोल रहा है एक्स, एक्स क्या बोल रहा है ए से छोटा है या फिर इसके बराबर है, तो देखो इस छोटा है और इससे क्या है बराबर है, तो देखो बराबर ले लिए और इससे क्या है छोटा है, सबसे छोटा वैल्यू क्या हो गया माइनस इंफिनिटी और सबसे बड़ा वैल्यू ए, तो माइनस इंफिनिटी से ए। देखो माइनस इंफिनिटी पे तो हम इंफिनिटी है, प्लस इंफिनिटी है या माइनस इंफिनिटी है उस पे हमेशा ओपन सर्कल होगा, ओपन ब्रैकेट होगा, और इस पे ये अगर इक्वल टू का साइन रहे उस वैल्यू को जिस वैल्यू को लेना है उस पे क्लोज ब्रैकेट, इक्वल टू का साइन रहे तो अगर नहीं रहे तो ओपन ब्रैकेट, समझ गया। तो आप लोग लिखो इसको, इसका एग्जाम्पल करते हैं, इसको लिखो आप पॉज करके आप लोग लिख लो बेटा। आज देखो अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे,
एक एग्जांपल लेते हैं, 3x plus 4 greater than 7x plus 5, इसमें आपको x का मान निकालना है और बताना है कि कहां से कहां तक लाइक करेगा। तो देखो करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। क्या करो आप लोग, x को x के साइड रखो और जिसमें x नहीं है उसको एक साइड रखो। तो देखो क्या करोगे, 3x यहां पे है तो 3x, ये 7x इधर है तो 7x इधर जाकर -7x -7x देखो इधर, यहां पे क्या है 5 और ये प्लस 4 इधर जाकर -4। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 में से 7 जाएगा क्या होगा -4x ग्रेटर देन 5 में से 4 जाएगा ना ये। अब क्या करो तुम, देखो जब माइनस साइन आ जाए इनइक्वालिटी में, वेरिएबल के साथ माइनस साइन आ जाए तो उसमें देखो क्या होता है, एक हम आपको नोट्स में यहां पे लिखवा देंगे, जब माइनस से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ना तो इक्वालिटी का जो साइन होता है वो चेंज कर जाता है। इक्वालिटी अगर देखो जैसे क्या करेंगे, इसमें माइनस 4 से हम दोनों से डिवाइड कर देते हैं, माइनस 4 क्या के बोथ साइड डिवाइडेड बाय -4। तो देखो क्या होगा, -4x बाय -4 ग्रेटर देन, नहीं यहां पे देखो क्या करता है, जब आप माइनस से जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी का साइन क्या करता है, चेंज कर जाता है। आप माइनस से हम डिवाइड कर रहे हैं ना उसको हटाने के लिए, क्योंकि हमेशा x को सेपरेट रखना है, x के साथ कुछ भी नहीं रहना चाहिए, x के साथ प्लस माइनस या उसके आगे को कोई भी नंबर नहीं रहना चाहिए, x को हमेशा सेपरेट रखना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या, इसके आगे में क्या था -4, इसको हटाने के लिए क्या किए -4 से भाग कर दिए, -4 से भाग किए, लेकिन हमेशा ध्यान रखो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे साइन ऑफ इक्वालिटी जो होता है वो चेंज कर देता है। तो देखो इधर ग्रेटर देन था तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1/10 के थे -4 से, दोनों साइड का करना था -4 से इससे भी किया -4 क्या इससे भी किया। तो देखो ये -4 से -4 कट गया पूरा, तो क्या हो जाएगा x लेस देन -1/4। अब आप लोग जानते हो अभी कंडीशन बताए थे x लेस देन a, x लेस देन a का मतलब क्या बताए थे कि -∞ से a, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जैसे देखो यहां पे देखो क्या बता रहा है, x less than -1/4, इसमें क्या होगा -∞ यहां पे +∞ और -1/4 का मान लो यहां पे -1/4, ठीक है। लेकिन इस वैल्यू को नहीं लेना है क्योंकि देखो यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए इस वैल्यू को नहीं लेना है, नहीं लेना है मतलब ओपन सर्कल, नहीं लेना मतलब क्या ओपन सर्कल करना है, ठीक है। और देखो इससे क्या है, छोटा है, इससे छोटा वैल्यू लेना, तो इससे छोटा कहां तक जाएगा इंप्लीटर, इसका आप कंडीशन आपको लिखाए थे कुछ देर पहले, चार कंडीशन लिखाए थे, इसमें क्या था x less than a, इसमें क्या था x यहां पे क्या है -1/4, x क्या है -1/4, उसमें क्या कंडीशन हुआ था -∞ से a, इसमें क्या कंडीशन हो जाएगा x belongs to -∞ से -1/4, ओपन सर्कल ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट। तो देखो क्या बोल रहा है, x लेस देन -1/4, तो -1/4 से भाग कर जाएगा -∞ का, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा -∞ और सबसे बड़ा वैल्यू -1/4, तो -∞ से -1/4, इसको लिखो आप लोग। फिर अगला एग्जांपल कुछ नोट्स करके, जो ये हम चीज लिखाए हैं इसको नोट करके हम लिखा देते हैं, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। नोट्स बना करके नोट्स ये लिख लो, उसके बाद एक नोट्स लिखा नोट्स दिखाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान रखोगे हमेशा इक्वालिटी बनाने के लिए। क्या बोल रहा है, व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई प्लस और
डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स देखो इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी भी आप मल्टी नेगेटिव नंबर से गुणा या भागा करो वही चीज आप लिखे हैं जब कभी भी आप नेगेटिव नंबर से गुणा या भागा करो इनइक्वालिटी में उसका जो होता है इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है जैसे वो ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा और लेस देन होगा तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा जब भी आप नेगेटिव नंबर से करोगे गुणा करो या फिर भागा करो तो उसका क्या होता है इक्वालिटी इनइक्वालिटी का क्या होता है साइन उल्टा बदल जाता है तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखोगे उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते आगे अच्छा अच्छा इसको आप लोग लिख लो जैसे ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसको लिख लो मिटाते हैं इसे देखो अगला एग्जांपल लेते हैं कुछ ऐसे देखो क्या लिए 5x प्लस 3 बाय माइनस 2 ग्रेटर देन जो आप यहाँ पे चार लो तो इसमें बताओ कि x कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा ठीक है तो देखो इसमें क्या है सबसे पहले तो इसको हटाओ इस नंबर को माइनस 2 है तो क्या करो इसको सबसे पहले आप बाहर करो इसको कैसे हटाओगे देखो इसमें क्या करो कि आप माइनस 2 को हटाने के क्या करना पड़ेगा माइनस 2 से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं यहाँ पे भी और माइनस 2 से यहाँ पे भी क्या करेंगे गुणा कर देंगे ताकि ये माइनस वाला साइन हट जाएगा तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा 5x प्लस 3 बट उससे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड माइनस 2 मल्टीप्लाई क्या किया दोनों साइड क्या किया माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो क्या होगा 5x प्लस 3 बाय माइनस 2 इसमें क्या करना माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें भी क्या जब भी देखो माइनस नंबर से जब भी मल्टीप्लाई करना है बताया है अभी नोट्स में कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है बदल जाता है ग्रेटर देन है क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा तो 4 गुणा किस में इसमें माइनस 2 के इसमें क्या करना पड़ेगा माइनस 2 से दोनों साइड का लिखे हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड माइनस 2 से बड़ा करने पर तो देखो ये और ये कट गया ठीक है देखो अब बचा क्या 5x प्लस 3 लेस देन ये देखो माइनस 8 कितना बचा माइनस 8 अब देखो इसको इधर ले आओ 5x तो देखो क्या हो जाएगा माइनस 8 ये प्लस जाके इधर क्या होगा माइनस 3 ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 5x लेस देन माइनस 11 ठीक है याद करते हैं तो देखो यहाँ क्या 5x लेस देन माइनस 11 देखो जब भी इधर x के साथ अगर पॉजिटिव नंबर है आप डायरेक्ट यहाँ क्या करो भाग कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 से दोनों साइड भाग करने पर या फिर ऐसे लिख सको डिवाइड बाय बोथ साइड डिवाइड बाय 5 ऐसे लिखो बोथ साइड डिवाइड बाय 5 या फिर जब पॉजिटिव नंबर हो ना तो आप डायरेक्ट कर दिया करो यहाँ से क्या हो जाए x माइनस 11 बाय 5 लेकिन नेगेटिव नंबर हो तो ध्यान रखना है क्योंकि नेगेटिव नंबर में होता है क्या कि आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ता है तो देखो इसमें क्या होगा x लेस देन माइनस 11 बाय 5 इसको दिखाना है तो कैसे दिखाओगे माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी यहाँ पे कहीं क्या होगा माइनस 11 बाय 5 बोल रहा है क्या x जो है जैसे कंडीशन लिखा है x लेस देन a तो क्या होगा माइनस इनफिनिटी से a इसमें देखो x लेस देन माइनस 11 बाय 5 तो लेस देन मतलब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसको ओपन सर कर इससे क्या है छोटा वाले लेना है इससे इधर वाला तो क्या आ जाएगा बताओ x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से माइनस 11 बाय 5
चलो डी को इसको आप लोग देखें देखो जब माइनस थ्री से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस जो क्या माइनस एक्स प्लस नाइन तो पहले से है बाई थ्री तो माइनस थ्री से क्या करना है गुना करना है जब माइनस थ्री से गुना किए तो आपको क्या करना है जब भी माइनस नंबर से गुना या भागा करो आप ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या करता है रिवर्स कर देता है तो देखो ये क्या हो जाएगा लेस देन था लेस देन इक्वल टू है ना ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x plus 6 by minus 3 into minus 3 ठीक है तो देखो ये minus 3 कैंसिल और यहाँ पे देखो minus minus plus ये 3 और 3 कैंसिल तो बचा क्या है यहाँ पे x plus 9 greater than equal to 2x plus 6 इसको सॉल्व करो फिर क्या बचा x plus 9 greater than equal to 2x plus 6 अब क्या करो x वाले को एक सेट ले जाओ बिना x वाले को एक सेट तो देखो क्या करते हैं इस x को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 9 minus 6 greater than equal to ये 2x है इधर जाकर 2x minus x ठीक है तो यहाँ पर जो 3 greater than x 2x में से x है x तो इसको ऐसे लिख सकते हो x less than 3 ऐसे लिख सकते हैं ना देखो 3 x से बड़ा है इसमें लिख क्या लिखे वही चीज़ है लिखा हुआ कि x जो है थ्री क्या है छोटा है इसमें भी वही है x क्या है थ्री से छोटा है थ्री बड़ा है यहाँ पे भी थ्री बड़ा है तो यहाँ पे देखो तो क्या नंबर लाइन लेना है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे थ्री लेकिन देखो यहाँ क्या है इक्वल टू का साइन है मतलब इस वैल्यू को भी लेना है लेकिन आप क्या करेंगे क्लोज ब्रैकेट देंगे क्या करेंगे क्लोज ब्रैकेट देंगे ठीक है ब्रैकेट दिए और देखो क्या बोल रहा है थ्री से छोटा मतलब इधर देखो थ्री को भी लेना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से थ्री थ्री क्या क्लोज ब्रैकेट क्या है क्लोज ब्रैकेट इसके बाद क्लोज ब्रैकेट ठीक है ये वो आपका आंसर ठीक है लिखो आप लोग लिख लिया होगा आप लोग उसको मिटा सकते हैं चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं
वो क्वेश्चन लेते हैं, 7x-1/-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3-x/-3, ठीक है। तो बनाओ उसको, आप लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्यूशन करते हैं, उसमें कैसे होगा देखो, इसको ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे क्या है -2 और यहाँ पे क्या है -3। देखो आप लोग क्या करोगे, ऐसे आप सोच रहे हो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ऐसे इसको और ऐसे इसको, लेकिन ऐसे ये सही नहीं, तरीका नहीं है। क्या करो आप, ऐसा नंबर से यहाँ पे गुना करो जो कि ऐसा नंबर से आप यहाँ पे गुना करो जो कि वो नंबर इसको इससे भी कट जाए और वो इससे भी कट जाए। तो आप क्या 6 से मल्टीप्लाई कर देते ताकि वो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो -6 क्या करते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिखा लिखते हैं बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय -6, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, -6 से मल्टीप्लाई किए दोनों साइड में। तो देखो जब भी गुना या बताए हैं नोट्स में दिखा दे, जब भी गुना या भाग करो माइनस नंबर से तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, उल्टा हो जाता है, जिससे ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। देखो क्या है, लेस देन इक्वल टू 3-x (-6) यहाँ पे गुना चेंज करो, यहाँ पे -3। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, ये 2 3 6 3 बार में, ये देखो माइनस से माइनस कट गया, ये देखो 3 2 6। अब क्या करो आप, सिंपल कैलकुलेशन है, लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करो। तो कहते हैं देखो 3 यहाँ पे है, तो देखो 3 × 7x-1 <= 2, यहाँ पे 2 है, तो 2 × 3-x ये होगा। तो करते हैं यहाँ क्या होगा, 21x (-3) = यहाँ क्या होगा, 3 × 6 - 2 × x कितना, ठीक है। इसी तरीके से देखो हम करते हैं, तो क्या करते हैं, x वाले को एक साइड देते हैं और बिना x वाले को एक साइड। तो देखो यहाँ क्या है, 21x और ये -2 कर जाए क्या होगा, +2x < यहाँ पे 6 है और ये -3 इस साइड आ क्या होगा, +3। तो देखो ये कितना होगा, 23x < 9, तो x क्या लगा, (≤9/23). हम बताएं जब भी x के साथ प्लस संख्या हो आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो, लेकिन माइनस हो तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, साइन इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे वही कंडीशन बार बार आया कि देखो जब x < a, और कंडीशन क्या था कि जब x < a कोई नंबर था तो क्या होता, -∞ से a, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो a को भी लेना है। देखो कैसे हो, यहाँ पे -∞, यहाँ पे +∞, यहाँ पे क्या होगा 9/23। तुम बोल रहे हैं क्या, इससे छोटा लेना है, लेकिन इस पॉइंट को भी लेना है, देखो इसके या तो बराबर है या फिर क्या इससे छोटा है, तो इस पॉइंट को भी लेना है। तो क्लोज ब्रैकेट मतलब क्लोज सर्कल, देखो ये कहाँ पे जाएगा -∞ का, तो एक्स बिलोंग्स टू -∞ से 9/23। 23 पे क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा, क्योंकि देखो इक्वल टू का साइन है, क्या होगा क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। इसको लिखो आप लोग, और आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाएंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूले, थैंक यू।